पेरेंट्स हैव टू टेक टफ डिसीजंस। पेरेंट्स माता पिता को हैव टू पढ़ते हैं टेक लेने पड़ते हैं टफ कठिन डिसीजंस निर्णय कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं माता पिता को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग अर्पित गुप्ता में। दोस्तों आज हम इस स्टोरी का एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, एक एक लाइन का अर्थ निकालेंगे। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ट्रस्ट का मतलब होता है या फिर बिलीव का मतलब होता है भरोसा। आप यहाँ पे कह सकते हो ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। क्या होता है? भरोसा। योर अपने पेरेंट्स माता पिता। अगर पूरी लाइन का अर्थ निकालो तो इसका मतलब है ट्रस्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता पे भरोसा करो। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए लाइन किंग वॉन्टेड हिज सन टू लर्न गुड स्किल्स एंड बी ए गुड रूलर। ध्यान से देखो, ए मतलब एक लाइन शेर किंग राजा, एक शेर राजा, या फिर आप ये कह सकते हो एक राजा जो क्या है, शेर है। वॉन्टेड चाहता था। वॉन्टेड लगा है पास्ट की, मतलब थर्ड फॉर्म है हमारी, तो हमारा था मतलब पास्ट में पहुंच जाएगा। हिज सन, हिज मतलब अपने, सन बेटे को, टू लर्न सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? गुड स्किल्स, गुड अच्छी। स्किल्स का मतलब होता है हुनर। क्या होता है? हुनर कि वो अच्छे हुनर सिखाना चाहता था। दोबारा देख लो, ए लाइन किंग एक शेर राजा वॉन्टेड चाहता था हिज सन अपने बेटे को टू लर्न सिखाना चाहता था गुड स्किल्स अच्छे हुनर या फिर अच्छे तौर तरीके। एंड और बी ए गुड रूलर, बी का मतलब होता है बनाना चाहता था। ए एक गुड अच्छा रूलर का मतलब होता है शासक। क्या? शासक, वो एक अच्छा शासक बनाना चाहता था। शासक का मतलब होता है जो राज्य पे शासन करे उसे शासक बोलते हैं। जब वो क्या हो जाए, बड़ा होने पर। ध्यान से समझो, एंड वी ए गुड रूलर और एक अच्छा शासक बनाना चाहता था जब वो बड़ा होने पर वो उसको एक अच्छा रूलर बनाना चाहता था, एक अच्छा शासक बनाना चाहता था। सो इसलिए ही उसने डिसाइडेड निश्चय किया टू सेंड भेजने का हिम उसको टू का मतलब के लिए उसे भेजने के लिए उन्होंने निश्चय किया टू द वाइस ऐप किसके पास। वाइस ऐप का मतलब होता है बुद्धिमान बंदर। एक बंदर के पास राजा ने उसे भेजने का निश्चय किया। क्या सिखाने के लिए? कि वो स्किल सीखेगा वहां पर, हुनर सीखेगा। हाउएवर जैसे तैसे द कैब प्लीडेड, कैब का मतलब होता है शावक। अब शावक का मतलब ये जो उसका बेटा है, ये यहां पर उसका नाम है शावक। हाउएवर का मतलब होता है जबकि द कैब जो शावक था प्लीडेड का मतलब आप यहाँ पे प्रार्थना भी कह सकते हो, रिक्वेस्ट की उसने, या फिर उसने कहा, आप यहाँ पे प्रार्थना कह सकते हो कि उसने क्या की, प्रार्थना की। फादर पिताजी आई डोंट वॉन्ट नहीं चाहता। वॉन्ट का मतलब होता है चाहता
चाहता हूँ टू लीव छोड़ना छोड़ना मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ दिस इज कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक लाइफ जीवन कि मैं इस कंफर्टेबल जीवन को छोड़ना नहीं चाहता। ये बात किसने कही? उस शावक ने कही। एंड गो जाना नहीं चाहता, एंड और गो जाना। द लाइन शेर ने रिप्लाइड, द लाइन शेर ने रिप्लाइड जवाब दिया जो उसके पिताजी थे, जो शेर थे, उन्होंने जवाब दिया। सन बेटा यू तुम्हें मस्ट चाहिए बी वेल ट्रेंड, बी का मतलब होता है बनना चाहिए, बी बनना क्या चाहिए बनना वेल ट्रेंड, वेल का मतलब होता है अच्छा और ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित, क्या होता है प्रशिक्षित, कि तुम्हें एक अच्छा प्रशिक्षित बनना चाहिए, एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए। यू मस्ट बी वेल ट्रेंड, तुम्हें एक अच्छा ट्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्किल पे ट्रेंड है, बिल्कुल उसकी पकड़ है, हुनरदार बोलते हैं जिसे हम, है ना। इट विल हेल्प यू, इट यह है क्या, ये जो वेल ट्रेंड जो आप ट्रेंड होके आओगे, इट यह है वेल विल हेल्प यू, विल का मतलब होता है गा, हेल्प मदद करेगा, ये गा आ गया हमारा। इट विल हेल्प यू तुम्हारी, ये तुम्हारी मदद करेगा। टू रूल, रूल का मतलब वही शासन करना। कहाँ? द किंगडम साम्राज्य, किंगडम का मतलब होता है राज्य। वेल अच्छे से अब दोबारा देख लो, अगर तुम एक अच्छे हुनरदार व्यक्ति बन जाते हो, एक अच्छे प्रशिक्षित हो जाते हो, तो इट विल हेल्प यू, ये तुम्हारी मदद करेगा। टू रूल शासन करने में, द किंगडम राज्य पर शासन करने में ये तुम्हारी सहायता करेगा, क्या एक अच्छा ट्रेंडेबल बनने के लिए। वेल अच्छे से। अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए। द कैब जो शावक था छोड़ दी हिज अपनी फैमिली परिवार, अपने परिवार को उसने छोड़ दिया। एंड और स्टेड ठहर गया विद द वाइस एप, या रुक गया या ठहर गया विद साथ, किसके साथ द वाइस एप, उस बुद्धिमान बंदर के साथ। दोबारा देखो, द कैब शावक ने लेफ्ट हिज छोड़ दी हिज फैमिली, अपना परिवार उसने छोड़ दिया। एंड स्टेड और रुक गया ठहर गया विद द वाइस एप, और बुद्धिमान बंदर के साथ वो रुक गया या वहां रहने लगा। इन में कहां रहने लगा, अनोदर दूसरे जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, और दूसरे जंगल में वो चला गया। देयर वहां ही उसने सीख गया, थर्ड फॉर्म है हमारी तो सीख गया, मैनी स्किल्स, बहुत स्किल्स का मतलब होता है हुनर, और वो वहां बहुत हुनर सीख गया। एंड और ट्रिक्स का मतलब होता है चाले, क्या होता है चाले, और वो बहुत सारी चाले और स्किल्स वहां सीख गया। 5 years later 5 साल बाद एन एनिमी का मतलब होता है दुश्मन शेर, लाइंस है तो काफी शेर होंगे, अटैक्ड हमला कर दिया द लाइन किंग्स फॉरेस्ट का मतलब होता है जंग
जो जंगल का जो शावक के पिताजी थे उनके जंगल पे जो दुश्मन शेर थे उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किंग्स फॉरेस्ट मतलब शेर का जंगल, शेर के जंगल पे, शेर का जंगल, और वो शेर का जो जंगल था उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। लाइन यहाँ पे ये शेर है, ये राजा का जो शेर राजा था उसका जंगल पे दुश्मन शेर ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। ए मैसेज, एक संदेश, एक संदेश वॉज सेंट फॉर द कैब, एक सेंट का मतलब होता है भेजा गया था फॉर के लिए किसके लिए, कैब, वो शावक के लिए। एक मैसेज भेजा गया किसके लिए, शावक के लिए। द वेल ट्रेंड कैब, और जो वेल ट्रेंड हो चुका था, वेल ट्रेंड का मतलब है जो अच्छे से प्रशिक्षित हो चुका था, उसने क्या किया, कैब ने, शावक ने, और ये हमारा हो गया अच्छा प्रशिक्षित, अच्छे से प्रशिक्षित हो चुका था वो। कम बैक, वापस आया, बैक का मतलब वापस, कम आया, वो वापस आया। टू हेल्प, किसके लिए, मदद के लिए, टू के लिए और किसके लिए, मदद के लिए, वो मदद के लिए वापस आया। हिज फादर, अपने पिताजी की, अपने पिताजी की मदद के लिए वो वापस आया। ही वह फाउट, लड़ा, ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से, बहादुरी से। एंड और डिफेक्टेड, हरा दिया द एनिमीज, किसको, और दुश्मनों को उसने हरा दिया। द प्राउड लाइन, अब प्राउड लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राउड लाइन का मतलब है जो शेर था वो क्या था, गौरवान्वित हो गया, मतलब उसका सीना चौड़ा हो गया, प्राउड में आ गया, घमंड में आ गया, गर्व में आ गया। प्राउड का मतलब होता है गर्व, लाइन शेर को, वो गर्व से भर गया। प्राउड लाइन, गौरवान्वित शेर। हग्ड, क्या किया, गले लगाया, हग्ड का मतलब होता है गले लगाना। हिम, उसको गले लगाया। विद टीयर्स, विद से, कैसे, आंसुओं से उसे गले लगाया। इन हिज आईज, इन में हिज, अपनी आंखों में। अब देखो, द प्राउड लाइन हग्ड, उस शेर ने हिम, उसको गले लगा लिया, किसको, अपने बेटे को, गर्व के साथ आप ये भी कह सकते हो। विद टीयर्स, आंसुओं के साथ। इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू थे और आंसू होने के साथ उसने अपने बेटे को गले से लगा दिया। ही सैड, उसने कहा वेल डन, बहुत अच्छा किया। वेल डन सन, बेटा बहुत अच्छा किया। बट लेकिन, नेवर मिसअंडरस्टैंड, कभी भी मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है गलत। नेवर, कभी नहीं मिसअंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को ध्यान से समझो इस लाइन। बट लेकिन, नेवर मिसअंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को गलत मत समझना। देखो, मिसअंडरस्टैंड का मतलब गलत समझना, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंड भी लगा है, राइट। मिसअंडरस्टैंड, कभी भी गलत मत समझना अपने माता पिता को। पेरेंट्स हैव टू टेक टफ डिसीजंस, माता पिता को हैव टू, पढ़ते हैं टेक, लेने पड़ते हैं, टफ कठिन डिसीजंस, निर्णय, कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं माता पिता को। फॉर देयर चिल्ड्रंस, के लिए, किसके लिए, देयर चिल्ड्रंस, अपने चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। बच्चों, चिल्ड्रंस गुड, बच्चों की भलाई, आप ये समझ सकते हैं, बच्चों की
भलाई के लिए उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। द कैब, और जो शावक था एपोलाइज्ड, उसने क्या की, उसने एक माफी मांगी। क्या मांगी? माफी मांगी टू हिज फादर, अपने पिता से उसने माफी मांगी। फॉर के लिए, किसके लिए? मिस्टेकिंग हिज मोटिव, मिस्टेकिंग्स जो उसने क्या की थी, गलती की थी, हिज उसके मोटिव उद्देश्य की, जो उद्देश्य को समझने में उसने जो गलती की थी उसके लिए उसने माफी मांगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज इंग्लिश रीडिंग क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें।